बता। और इस मैच के बाद दो है टीमों से मिलूंगा चाहेंगे एसएससी के बनाबर आरना एफसी आप लोग भी कैसे करेंगे। भले यहाँ पे जर्सी में कुछ बदलाव की गई है लेकिन खिलाड़ी का अलग पहचान खेलनी होगी और थोड़ा सा यहाँ से कुछ बेहतर से बेहतर करने की आवश्यकता पड़ेगी दोनों टीमों को। मुकेश इनके पास गति है और बेटे पुरोल क्या कैसा खेला करते हैं गबड़े कर में इस बार खिलाड़ी को पिट करने में सक्षम रहे जरूर खिलाड़ी श्यादीप सिंह। राइट के पास गेंद समय बीत रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि हाँ जीतने का मतलब पढ़ाई तो बता रहे फिलहाल एक मौका बनेगा इसी गेंद बहुत बड़ा मौका लेकिन कहीं ना कहीं से मौका भरपूर टीम मिला बने थे भाई सियाड़ी बॉल बॉयज एक गेंद पश्चिम चौर पर चली गई है लाने का कार्य करेंगे बॉल बॉयज। बहुत सा प्रयास कर रहा है समय बीत भी रहा है और समय बीतने के साथ साथ यहां बेहतर से बेहतर करने की आवश्यकता भी पड़ रही टीमों को। भली बात है दूसरे टूर्नामेंट में कहीं कहीं तीन जीत करने के बाद कहीं ना कहीं मैच में स्कोर करने की यानी कि प्राय पे पहुंचने की एक दावेदारी की जाती है लेकिन इस कमेटी मंच की ओर से कहीं ना कहीं आप दो जीत जाते हैं जिस बात है मैच में तो सीधी सी बात है प्राय तक दावेदारी हो जाएगी। मैच निर्णय किस वक्त तुरंत पड़िया जी ये अरुण के बाद जिस बात है विक्रम हांसदा ये आपको की बात जिस बात है कहीं ना कहीं समीर तो सब निर्णय की जुगलबंदी हुआ है। मौका बनेगा सियाड़ी के लिए कटवेट एक बात फिलहाल बहुत निकाले पे संदीप के लिए समय जो लिगारी शत्रुओं ने बना पाए शिवा गेंद फंसी है जरूर मौका बनेगा इस बार फागू आगमन क्रम में गति के साथ महेश की रन आएगी लेकिन बहुत बड़ा चूक दिखने वाली बात होगी समय बीत रहा है बहुत शुक्रिया प्रयास इस बार दिखने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं जी समाज को बैचेस खेल रहे हैं खिलाड़ी और कहीं ना कहीं यहां से मैच में स्कोर नहीं करा पा रहे हैं समय बीत भी रहा है
सर्टिफिकेट लेस में समय का मौका। और आगे का कहने के सिमक से बाहर कड़ा चौंती कहा जाएगा, लेकिन यहां पर सिटी संकट बजी है तो नीचे से बात गेंद सिमक से बाहर भी गई है। जरूर गेंद गोलकीपर से टच हुआ था गेंद। मैच कैसे स्वाति क्षण है मैंने पहले भी कहा है, जो भी टीम जीतेगी प्राइज तक उतरारी होगी। कहेंगे नहीं किस मतलब सेमीफाइनल का मैच ही हो रहा है, यहां जीतने का मतलब आप टॉप फाइनल में जगह बना लेंगे। फिलहाल सियाड़ी के लिए फिलहाल समय नहीं है, जरूर खिलाड़ी दिगंबर की नजर आएगी। हाँ गिरने पर हमने हल्के समय लिए हैं, बाएं चौक से गेंद को निकाले हैं, जरूर गतिपक खाचा इस्तेमाल कर रहे खिलाड़ी सियाड़ी। किसी प्रकार इस मैच को जीतना होगा, ये सफलता हुई टीम क्रिकेट बनी हुई है। और कहने के गेंद सिमल से बाहर, और टीम में कहीं ना कहीं एक ताबड़तोड़ मुकाबला खेला जा रहा है। और यहां से कुछ गलत करने की कोशिश, शक्ति चौसर मिलेगा टीमों को। बहुत सुंदर, लेकिन उतनी सुंदर यहां पर परिचाई। चलिए मैं साथी कमेंट्री के तौर पे जोड़ना चाहूंगा ज्ञान से क्या लगता है इस मैच में। काफी गति दोनों ही टीमों को देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों ही टीमों को अभी तक रिजल्ट सामने दिखा पाए हैं। बस सही है सुजीत जी, पिछले मैचों में मैंने देखा कि काफी प्रयास रही टीम का, एक अच्छी टीम के साथ में मुकाबला थी। आज उन्हें भी पराजित करके आज इस दौर के साथ आए हैं, तो कहना मुश्किल ही होगा कि किसी भी क्षण स्कोर बन सकती है। जिस तरह से गति भूमिका अपना निभा रहे हैं, बिल्कुल महेश से तो उम्मीद कर सकते हैं कि टीम के जरिए मौके मिल रहे हैं। आज काफी महेश ग्रास्की के लिए जाना पसंद कर रहे हैं जी। बिल्कुल, अगर अर्जुन कगराई को अगर बीट करना है तो लंबे उछाल के साथ भी किक करने की आवश्यकता पड़ेगी जी। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा सॉरी ज्ञानचंद्र कि जब मौके मिले दो ही एंड से इस मौके का भरपूर टीम लाभ उठाने का अवसर पड़ेगा, क्योंकि एक फर्स्ट का मैच है जी। एकदम बिल्कुल, और यहां से अगर जितने भी है तो प्राय तो पहुंच जाएंगे। हाँ कोई शौक नहीं, और दोनों ही दलों के बीच में अगर बात किया जाए कि कोई हारना पसंद नहीं करेंगे, जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर अपनाया जा रहा है। सुंदर सा शॉट बनी थी, एक कट करना चाहते थे, लेकिन वहां डिफेंडर मौजूद किसी तरह गेंद को क्लियर जरूर किए हैं। एक बार मैपर का कुछ निशाना दिखाते हुए प्लेयर तीन नंबर के, लेकिन वहां विकल्प पहुंच नहीं पाए, सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी गेंद। काफी जबरदस्त प्रयास दोनों टीमों के बीच में, अभी तक दोनों ही टीमों के बीच अगर बात किया जाए सुजय जी, स्कोर के तलाश में निगाहें ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक स्कोर नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, और एक फर्स्ट का मैच भी है, और इस मैच के बाद दोनों ही टीमों को भी आना भी होगा, उसके बाद पाली आना। किसी की बात करें जगह के ओपनिंग टीम की बात करें, आप लोग भी तैयारी कर देंगे, शुरू कर देंगे, इस मैच का तो खेलना होगा। समय बीत भी रहा है, किसी भी टीम को अतिरिक्त समय नहीं देगा, और इसी प्रकार देखते ही मध्यांतर का बाकी बचे समय, अब कौन सा रणनीति अपनाना चाहिए और कहां गेंद को सही दिशा में निकाला जाए। दोनों ही टीमों के बीच में आपस में तालमेल
काफी बढ़िया तब जरूर बनी है, लेकिन प्लेयर्स अब मेरे ख्याल से करता है राजेंद्र, यहाँ से माइंड गेम आपको प्लान सेट करनी होगी। जी बिल्कुल, यहाँ से अगर गेम चेंजर ही कहेंगे, अगर आपको गेम चेंजर बननी है तो गति के साथ साथ आपको कुछ छल बल कौशल का प्लान सिवा करें नजर आएगी, लेकिन सिवा गेंद तक पहुंचने नाकाम रहे। अच्छा, जब सिवा के पास गेंद जाती है राजेंद्र, कुल अलग करने की कोशिश करते हैं, छोटे कदमाती खिलाड़ी हैं। जी बिल्कुल, छोटा पकेट बड़ा धमाका, लेकिन नहीं कर पाए हैं। हाँ जी, गोपी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन देखने बल बात होगी इस बार, दोनों ही टीम के बीच अगर बात किया जाए सजीत की, दोनों खिलाड़ी काफी साफ सुथरा खेलना चाह रहे हैं, लेकिन गेंद को इस तरह से निकाल नहीं पा रहे हैं जिस तरह से निकलना है। हेलो, कृपया आप 35 कदम दूरी में आप आग जलाइए ताकि यहां आग एक खतरनाक चीज है। मान के चलिए कि अगर कोई खिलाड़ी गलती से चूक हो जाती है तो यहां वो सही तरीका नहीं रहा आपका। बिल्कुल, और गोलपोस्ट के ठीक सामने जो दर्शक साथी आप लोग आगे चला रहे हैं, जी हाँ, आपसे पश्चिमी छोर में, क्योंकि खिलाड़ी काफी गति में जाते हैं और कमेटी इस क्लब के संचालक महोदय जा रहे हैं आगे को बंद कर दीजिए, और ऐसा आपत्ति तो फिर मौका बनेगा राज्य यानी कि ज्ञानचंद्र गेंद किस तरह गेंद को रोक ही गए हैं। जरूर समय जरूर लिए हैं, तब तक गेंद तक पहुंचने में क्या में हो गए हैं। मौका बन रहा है, समय बीत भी रहा है, शायद मेरे ख्याल लगता है टीम शायद पैदे के लिए जाना पसंद कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अभी चलते हुए मैच बात भी जानते हैं टीम चलाएंगे, क्योंकि समय बीत रहा है। आप हैं आरान आपसे बराबर एसएसके की टीम के टीम खिलाड़ी, आप भी चलेंगे चलाएंगे जल्दबाजी में। काफी प्रयास यहां पर, अब दोनों ही टीमों के बीच की यार बात किया जाए कि सब कमजोरिया दोनों में एक दूसरे में जानकारी है, जेंत को उस मंडल से नहीं निकाला जा रहा है। कृपया आगे आप बंद कर दीजिए, ये शोभा नहीं बनती है, वहां तार बिछाई गई है लंबे डीजे की लाइन में, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगी। आप जला के तो भाग जाएंगे, लेकिन अगर गलती से लग गया तार पे तो बहुत सारा संकट आ सकता है। बिल्कुल, और क्योंकि तार बिछाई गई है नीचे से बात है, आपके लिए टूर्नामेंट को रोकना पड़ेगा। किस तरह के आप लोग, ठंड भी ज्यादा नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूंगा अगर इस तरह का प्रोग आगे भी जलाएंगे तो किस बात है, घर में जाकर लोग भी आराम कर सकते हैं। फिलहाल गेंद को रोका जाएगा, बहुत ही प्रयास है इस बार कटबने के बाद सियाड़ी सियाड़ी की जहां पर बात करें ज्ञानचंद्र टीम में कुचाई से लेकर मुर्गे मामले तालबंगा के रूप में आती है। जी बिल्कुल, और पंपड़ा अगर बात करें जिससे बात है, भले ही सरायकेला के टीम के नाम से शिरकत करती है, लेकिन टीम में रांगा स्पोर्टिंग धुवाड़ी के तमाम प्लेयर्स मौजूद हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी का समावेश है वहां पर। बिल्कुल, पिछले मैचों में एक बढ़िया टीम को पराजित करके आज इस मुकाम पर पहुंचा है, तो जहां तक की कोशिश है शायद
कुछ भी हो सकता है चंद मिनट में, खेल के दरमियान कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत ही प्रयास से इस बार सिबा और कहीं ना कहीं देखी मैं बात होगी। गेंद को इधर से उधर माइनस प्लस बहुत बनाई जा रही है, लेकिन रणनीतिक सही तरीका से फिट नहीं हो पा रही है। दोनों ही टीमों के बीच में स्कोर देखने को नहीं मिला है अभी तक। बहुत तेज गति से गेंद को लिया जा रहा है और वह विकल्प मौजूद ने काफी पीछे थे गोलकीपर किसी तरह से गेंद को क्लियर किए, वरना अगर गति होती विकल्प पहुंचता हुआ तो स्कोर देखने को जरूर मिलता। वहां कट करना चाहे लेकिन गेंद चली जाएगी सीमा से बाहर। गेंद को जरूर वहां रोका गया, नीचे लाना पसंद करते थे लेकिन